का शेफ प्रामर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम साबूदाने से बड़ा बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए साबूदाना लिया है और इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगा दिया था और फिर इसका पानी निकाल के रखा है यहाँ पे। तो ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग है साबूदाने का, तो इस तरह से हमको चाहिए। इस साबूदाने में हम दो आलू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो उबला हुआ आलू लिया है, तो आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही तोड़ लूँगी इसको। ये देखिए मैंने आलू मैश कर लिया है, तो इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। और देखिए थोड़ा सा मैंने मूंगफली दाना लिया और उसको ऐसे ड्राई रोस्ट कर लिया है और फिर उसको मैंने दरदरा, ये देखिए बहुत बारीक नहीं किया है और साबुत भी नहीं है, तो दरदरा इसको मैंने मिक्सी जार में कर लिया है, इसको डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसमें हम तेल का बहुत कम यूज करेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि व्रत में बहुत ज़्यादा तेल या घी खाने का मन भी नहीं करता है। अगर 9 दिन का व्रत है तो काफ़ी हो जाता है तेल और घी, तो इसलिए मन करता है कम तेल में खाया जाए। इस तरह से मैंने मिला लिया है, तो अब इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और जितने साइज का बड़ा हमको बनाना है उतना ले लेंगे, इसको गोल कर लेंगे, ऐसे चिपटा करेंगे और बीच में ऐसे हम ऐसे छेद कर देंगे जैसे बड़ा में रहता है उस तरह से। इस तरह से करेंगे हम तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा ये। ये देखिए इस तरह से बना बना के हम रख लेंगे पहले प्लेट में। इस तरह से मैंने बना के रख लिया है, तो चलिए अब तलना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है, तो इसको हम गरम होने देंगे पहले। ऑयल गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम गरम चाहिए। तो एक एक ये बड़ा हम इसमें लेके डालेंगे ऐसे। और इसको पकाते समय हम गैस फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम पे ही इसको अच्छे से हम पकाएंगे ताकि ये पक भी जाए अच्छे से और क्रिस्पी भी हो जाए। अभी हम इसको और देर रहने देंगे। देखिए थोड़ा सा फूला फूला सा दिख रहा है, गैप था बीच में, अब गैप नहीं है, तो अभी इसको हम और देर रहने देंगे क्योंकि अब ये नीचे से क्रिस्पी भी नहीं हुआ होगा और कलर भी नहीं चेंज हुआ होगा, फिर उसके बाद हम पलटेंगे इसको। देखिए देखने से लग रहा है कि इसका कलर चेंज हो गया होगा, तो इसको हम पलट देंगे, इसको बहुत संभाल के पलटेंगे। ये देखिए इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो गया, तो इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के बड़े भी हम बना के इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए कुरकुरा क्रिस्पी साबूदाना बड़ा बनके तैयार है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने इसको मूंगफली के तेल में बनाया है, आप चाहे तो देसी घी में बना सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है देसी घी में भी। ये साबूदाने से बना है तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा भी रहता है। अगर आपको मेरी ये साबूदाना बड़ा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।